Welcome back, my dear friends. Today we are going to tell you about how to write English paragraph, English essay on housefly. दोस्तों मक्खी पे दोस्तों हम आज आपको बता रहे हैं ऐसे कैसे आप राइट करेंगे और बिल्कुल ही ईजी एंड शॉर्ट में बता रहे हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. जनरली हाउस फ्लाई इज अ सिंपल एंड स्मॉल क्रिएचर विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जनरली आम तौर पर हाउस फ्लाई जो मक्खी होता है इज़ अ सिंपल एक साधारण एंड स्मॉल और एक छोटा जीव होता है, क्रिएचर होता है. तो दोस्तों यहाँ क्रिएचर मीन्स जीव को हम क्रिएचर कहते हैं. तो आम तौर पे क्या होता है, मक्खी जो होता है एक साधारण और छोटा जीव होता है. जनरली हाउस फ्लाई इज़ अ सिंपल एंड स्मॉल क्रिएचर विच इज़ जो कि पूरी दुनिया में पाया जाता है. विच इज़ फाउंड, फाउंड मीन्स पाया जाना. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. ऑल ओवर द वर्ल्ड. जनरली हाउस फ्लाई इज़ अ सिंपल एंड स्मॉल क्रिएचर विच इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. आमतौर पर मक्खी एक साधारण और छोटा जीव होता है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है. मक्खियाँ जो होती है मुख्यतः गंदे जगहों पर रहना पसंद करते हैं. ये हाउस फ्लाइज मेनली लाइक हाउस फ्लाई मेनली लाइक टू लिव इन डर्टी प्लेसेस. डर्टी मिस होता है दोस्तों गंदा और प्लेस मिस होता है जगह. तो डर्टी प्लेसेस मिस गंदे जगहों पर. लाइक टू लिव इन डर्टी प्लेस ये पसंद करते हैं. लाइक मिस होता है दोस्तों पसंद करना. लिव मिस ये रहना, मतलब जो मुख्य गंदों पर रहना पसंद करते हैं. लाइक टू लिव इन डर्टी प्लेस. हाउस फ्लाई मेनली लाइक टू लिव इन डर्टी प्लेसेस. मक्खियाँ जो होती है वो मुख्यतः गंदे जगहों पर रहना पसंद करते हैं. मक्खियों की संरचना काले और भूरे रंग के होते हैं और इनके पंख झिल्लीदार होते हैं और थोड़े बाल होते हैं. द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में संरचना होता है दोस्तों. द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस फ्लाई, जो मक्खियों की संरचना होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस फ्लाई इज ब्लैक, वो काले, ब्लैक एंड ब्राउन और भूरे रंग के होते हैं. देयर विंग्स आर मेम्ब्रेनस. मेम्ब्रेनस मिस होता है दोस्तों झिल्लीदार, झिल्लीदार, झिल्लीदार जो हमने पंख जो हमने बोला. विंग्स आर मेम्ब्रेनस, जो पंख होते हैं इनके झिल्लीदार होते हैं. झिल्लीदार, मेम्ब्रेनस मिस झिल्लीदार. ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों. मेम्ब्रेनस एडजेक्टिव है ये, जिसको हम कहते हैं वेबेड भी कहते हैं इसको, वेब फुटेड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने मेम्ब्रेनस यूज़ किया. इसका मतलब होता है झिल्लीदार. तो जो मक्खियाँ होती हैं उनके जो पंख होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं. देयर विंग्स आर मेम्ब्रेनस एंड देयर आर फ्यू हेयर्स, इनके जो होते हैं कुछ बाल होते हैं. हाउस फ्लाई ले मोर देन 100 एग्स एट अ टाइम, जो मक्खियाँ होती हैं वो एक बार में 100 से अधिक अंडे देती है. हाउस फ्लाई ले मोर देन 100 एग्स एट अ टाइम, एक समय में जो है एक बार में मक्खियाँ जो है 100 से अधिक अंडे देती है. आमतौर पर मक्खियों का जीवन काल 2 से 4 हफ्ता का होता है, 2 से 4 वीक का होता है. हाउस फ्लाई यूजुअली हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 to 4 वीक्स, जो होती है इनके जो जीवन होती है जीवन काल वो 2 से 4 वीक तक की होती है, 2 से 4 सप्ताह तक की होती है. ये अपना भोजन गंदगियों से प्राप्त करते हैं और ये गंदे जगहों पर पाई जाती है. दे गेट देयर फूड फ्रॉम द फिल्थ. दे गेट देयर फूड फ्रॉम फिल्थ. फिल्थ मिस होता है दोस्तों गंदगी. ये एक नाउन होता है, ग्रामर की हम बात करें तो नाउन है, जिसको हम डर्ट, फिल्थ, स्क्वेलेट और गार्बेज ये सब वर्ड यूज होता है. तो मैंने यहाँ पे फिल्थ यूज़ करा है. तो फिल्थ मिस याद रखिएगा गंदगी होता है. ये अपना भोजन गंदगियों से प्राप्त करते हैं. दे गेट देयर फूड फ्रॉम द फिल्थ, FILTH. दे आर फाउंड इन डर्टी प्लेसेस, और ये गंदे जगहों पर पाई जाती है. दे आर फाउंड इन डर्टी प्लेसेस.
यहाँ पे दोस्तों फिल्थ प्लेसेस हम नहीं लिख सकते, यहाँ डर्टी प्लेसेस यूज़ किया मैंने, तो दे आर फाउंड, इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द फिल्थ, ये गंदगी, ये अपना भोजन गंदगियों से प्राप्त करते हैं। दे आर फाउंड इन डर्टी प्लेसेस, ये गंदे जगहों पर पाई जाती है। हाउस फ्लाई वॉक टू स्प्रेड डिजीज इन ह्यूमन, मनुष्य मक्खियाँ जो है मनुष्यों में बीमारी फैलाने का भी काम करती है। हाउस फ्लाई वर्क टू स्प्रेड, स्प्रेड मिस होता है दोस्तों फैलाना, SPREAD, डिजीज मिस हो गया आपका बीमारी। इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स मीन्स मनुष्यों, मनुष्य ह्यूमन जो होते हैं उन मनुष्यों में ये बीमारी फैलाने का काम करती हैं। हाउस फ्लाई वर्क टू स्प्रेड डिजीज इन ह्यूमन्स, फुल स्टॉप। दैट्स वाई वी शुड क्लीन आवर हाउसेज एंड कीप द फूड कवर्ड, अतः हमें अपने घरों की सफाई करनी चाहिए और भोजन को ढक के रखना चाहिए। कवर्ड मिस होता है दोस्तों ढक के रखना, फूड मिस हो गया भोजन। दैट्स वाई, अतः हमें अपने घरों की सफाई करनी चाहिए और भोजन को ढक के रखना चाहिए। दैट्स वाई वी शुड क्लीन आवर हाउसेस एंड कीप द फूड कवर्ड। दे हैव अ लॉट ऑफ एबिलिटी टू स्मेल, इनकी सूंघने की क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है। एबिलिटी मिस दोस्तों होता है क्षमता और स्मेल मिस सूंघना, तो दे हैव लॉट ऑफ एबिलिटी जो बहुत होती है, लॉट ऑफ एबिलिटी मतलब क्षमता जो होती है बहुत होती है, किस चीज़ की, सूंघने की, स्मेल करने की। दे हैव अ लॉट ऑफ एबिलिटी टू स्मेल, इनकी सूंघने की क्षमता बहुत होती है। मक्खियाँ मनुष्यों के साथ प्राचीन काल से रहते आए हैं। हाउस फ्लाई हैव बीन लिविंग विद ह्यूमंस सिंस टाइम इमेमोरियल, मक्खियाँ जो हैं वो मनुष्य के साथ प्राचीन काल से रहते आए हैं। इमेमोरियल में दोस्त होता है प्राचीन, अति प्राचीन, बहुत पुराना। द बॉडी ऑफ हॉर्स फ्लाई इज वेरी लाइट, मक्खियों का शरीर जो होता है बहुत हल्का होता है, वेरी लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, मक्खियों का शरीर बहुत हल्का होता है। द बॉडी ऑफ हॉर्स फ्लाई इज वेरी लाइट, हॉर्स फ्लाई आर मोर एक्टिव, मक्खियाँ रात से ज़्यादा दिन में सक्रिय रहती हैं। हॉर्स फ्लाई इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग द डे दैट एट नाइट, ये रात से ज़्यादा दिन में सक्रिय रहते हैं। अधिकांश हर घर में मक्खियाँ पाई जाती है। हाउस फ्लाई आर फाउंड इन मोस्ट एवरी हाउस, हाउस फ्लाई जो होती है अधिकांश घरों में मक्खियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया करिए दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोगों का, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।